Yeah. Are you good at it? अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोहम्मद मौज़म। ये आज का मेरा 6th व्लॉग और अभी का सीन ऐसा है, आज हम जा रहे हैं लाहौर रिवो की डिलीवरी लेने। चलें चलते हैं आप सीधा लाहौर। अभी ट्यूटा के शोरूम पर तो हम लोग पहुंच गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज्यादा गाड़ियाँ डिस्प्ले पर लगी हुई हैं। ये ग्रैंडी है, अच्छा, और उसके बाद ये है फॉर्चुनर, अच्छा, और वो है रिवो रोको। ये सेम इसी तरह का हम लोग ले रहे हैं मगर उसका वेरिएंट है रिवो। मैं आपको इसका अंदर से इंटीरियर दिखा देता हूँ। अंदर से तो ये फुल बॉम लगता है। मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ? अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ, चेक करें बस अंदर से कितना प्यारा है अंदर से ये। बस अभी जब डॉक्यूमेंट्स पापा साइन कर देंगे उसके बाद हम लोग अपनी गाड़ी लेके चले जाएंगे, बस उसी चीज़ का भी इंतजार है हमें। अभी मैं और ये छोटे छोटे बच्चे पूरे शोरूम का विजिट कर रहे हैं। ये देखें प्राडो का क्या हाल हुआ है, पूरी एक्सीडेंट ने तबाह कर दिया आगे से। और ये पूरा शोरूम ही है और आगे भी शोरूम ही है, वो देखिए आगे सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। और ये लोग अपनी गाड़ी ढूंढ रहे हैं, हमारी गाड़ी कहाँ है। ये है लैंड क्रूजर प्राडो TS, इसका भी आपको अंदर से इंटीरियर दिखाते हैं। ये न्यू नहीं है, ये यूज्ड है। इसके टायरों से आप देख सकते हैं और इसके ऊपर ना ज़रा स्क्रैच भी आए हैं, इस वजह से ये यूज लग रही है। सीट भी देख सकते हैं और ये अंदर से देखें, ये भी बहुत अच्छी गाड़ी है, ऑटोमेटिक गाड़ी है पूरी। ये देखें ये हाइडेंसी खेल रहे हैं, एक दूसरे से छुप रहे हैं, वो उस गाड़ी में छुप गया और ये इस गाड़ी में। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ये आप ऊपर से चेक करें गाड़ियों का कितना अच्छा व्यू आ रहा है। अभी बस गाड़ी मिलने में थोड़ी सी देर है और ये मौसम बहुत ठंडा हो गया, बहुत अच्छी हवा चल रही है और हम ये शोरूम के छत पे आ गए हैं फुल टॉप पे। ये देख सकते हैं आप पे क्या क्या है, ये हमारी गाड़ी वॉश हो रही है, वो न्यू गाड़ियाँ खड़ी हैं वो सारी वॉश हो रही है। और ये गाड़ी देखें, इसका एक्सीडेंट हुआ हुआ है, इसे इन्होंने इधर खड़ा किया हुआ है, इसके दरवाजे भी नहीं है मेरे ख्याल से। और ये देखें इस गाड़ी में बैठ गए हैं। अभी हम आ गए शोरूम की बेसमेंट में और ये देखें ये खड़ा है हमारा रिवो, ये भी इसे लॉक किया हुआ है उन्होंने। और ये चेक कर सकते हैं आप आगे से, ये है हमारा रिवो जिसको भी हमें लेके जाना है। अभी ये गाड़ी वर्कशॉप में तो आ चुकी है, ये देख सकते हैं ये गाड़ी अभी वर्कशॉप में खड़ी की हुई है। अभी इसकी मैटिंग हो रही है ताकि ना ये जो बच्चे पाउन करते हैं ना नीचे, तो ये जहाँ पे मैट रखती हैं तो ये ख़राब ना हो जाए इसके एरियर वाले हैं। ये देख सकते हैं उन्होंने सारी सीटें उतार दी ताकि अच्छी तरह मैटिंग हो सके। अभी गाड़ी की मैटिंग वगैरह तो पूरी कम्प्लीट हो गई है और इनके काम देखिए। अबे साले, और ये देखिए ये मैटिंग पूरी कम्प्लीट हो गई, आप देख सकते हैं गाड़ी तो अभी वॉश होके रेडी हो चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं देखें पूरी गाड़ी रेडी हो गई है, A1 गाड़ी लग रही है पूरी न्यू, ये देख सकते हैं। अभी हम लोग कुछ खाने पीने के लिए होटल वाले एरिया पे पहुंच गए हैं, यहाँ पे होटल ही होटल हैं। और इनको देखें ये गाड़ी के ऊपर चढ़ गए हैं, ये तीनों आराम से बैठ गए हैं। और ये देखें एक तो ये गाड़ी खड़ी है जो हमने अभी न्यू ली है और उसके साथ वो दूसरी गाड़ी खड़ी है जिस पे हम लोग ये गाड़ी लेने आए थे। मैं भी इनके साथ ही यहाँ पर बैठ गया और इनकी हरकतें देखें, ये तो शर्माता ही बहुत है। और इसे देखें गाड़ी तो यहाँ पर पार्क कर दी है, अभी हम जा रहे हैं होटल। अभी हम लोग डिनर करके तो आ गए हैं और अभी हम जा रहे हैं वापस घर। अभी हम लोग अपने घर तो पहुंच गए हैं, अब बस गाड़ी अंदर खड़ी करनी है और फिर अब सो जाना है। चलें करते हैं व्लॉग को यहीं पे एंड, खुदा हाफिज़। अभी हमने रिवो तो गैराज में खड़ा कर दिया है और ये वाली अब छोटी गाड़ी दूसरे गैराज में खड़ी करते हैं। I should fuck her in the best.